नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओटू हेड पे, और ओटू हेड की एक खबर मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस खबर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कमेंट के माध्यम से पता चल सके कि आप इस खबर से कितने सहमत हैं। खबर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ओटू हेड की खुदाई को लेकर के आज मैं ये खबर दिखाने जा रहा हूँ। किन किन किसानों को खुदाई की ज़रूरत है, यानी कि इस कमेंट से एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, वाकई में किसानों को ओटू हेड पे खुदाई की सख्त ज़रूरत है, ओटू हेड के पानी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि खुदाई होगी तो पानी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो आपसे अनुरोध कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ओटू हेड की खुदाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा ओटू हेड की। इधर देख सकते हैं आप, ओटू हेड में जितना पानी होना चाहिए था उतना पानी अब नहीं है, क्योंकि एक समय होता है जब ओटू हेड में जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में जो ये ओटू हेड है ये पानी से पूरा लबालब भरा होता है, और महज 10 फीट गहरा ये ओटू हेड है, और अब पानी की अगर बात करूं तो 1 फीट या 1.5 फीट पानी ही इस ओटू हेड पे हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओटू हेड के किनारों की बात करूं, ये जो नदी के मुहाने हैं उनकी बात करूं, तो वो आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल खाली आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर पानी बिल्कुल भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और मुहाने से करीब 10 फीट नीचे पानी जो है हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करूँ तो आज से 3 या 4 महीने पहले ये जो ओटू हेड के मुहाने थे वो बिल्कुल पानी से ढके हुए हमें दिखाई देते थे। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के बावजूद भी ये महीना या 2 महीना बाद जो है ये ओटू हेड जो है वो खाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 6 इसकी सहायक नहरें निकाली गई हैं जिससे किसानों को पानी दिया जाता है। अब अगर बात करूँ तो इसमें अगर 10 फीट तक खुदाई करवा दी जाती है, यानी कि 10 फीट ये गहरा और हो जाता है, और वो मिट्टी इसके मुहाने पे डाल दी जाती है, तो 20 फीट का फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि टोटल 30 फीट गहरा हो जाएगा, और 30 फीट गहरा 900 एकड़ का इतना जो लंबा चौड़ा एरिया जो होगा, तो इसमें न जाने हम कितना ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर कर सकते हैं, और किसानों को साल भर फसलें पकाने के लिए पानी दे सकते हैं, पानी स्टोर किया जा सकता है, जिससे किसान भी निहाल होंगे, किसान भी खुशहाल होंगे, उनकी फसलों को पानी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। वाटर लेवल जो दिन प्रतिदिन नीचा जाता जा रहा है, उसमें भी अगर ये फ्लडिंग नहरें ये साल भर बहती रहेंगी तो उस वाटर लेवल में भी बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। यानी कि इस एक ओटू हेड की खुदाई, महज खुदाई कर देने से किसानों को 4 से 5 फायदे वो होने वाले हैं। अब आप इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, कितनी खुदाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कहां कहां से हैं आप, किन किन को गांव के लोगों को या किस किस इलाके के लोगों को इस ओटू हेड की होने वाली खुदाई का फ़ायदा होने वाला है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अब अगर ऐसे में बात करूं तो सरकार से गुजारिश और लगातार किसान मांग भी कर रहे हैं कि ओटू हेड की खुदाई करवा दी जाए, और मुख्यमंत्री जी से हमारी एक और भी गुजारिश है कि किसानों की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप किसान विरोधी अध्यादेश लाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि किसानों से बिना पूछे और बिना जिक्र किए, बिना चर्चा किए आप ये 3 कृषि अध्यादेश जो है वो जारी कर देते हैं, और उसके बाद में ये कहते हैं कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए है। अगर आपकी सरकार वाकई में किसानों के फायदे के काम करती है, तो ये किसानों को न जाने कितने किसानों को इस ओटू हेड की खुदाई जो है वो न जाने कितने किसानों को फायदा करेगी। मुख्यमंत्री जी, इसका विरोध नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इसका विरोध किसान कभी भी नहीं करेंगे कि आप ये खुदाई क्यों करवा रहे हैं। अगर आपको मिट्टी डालने के लिए आपके पास जगह नहीं है तो किसानों को बोल दीजिए, वो अपने ट्रैक्टर ट्राली से ये मिट्टी जो है उठा करके अपने खेतों के लिए ले जाएंगे, आपका भी कुछ नहीं लगेगा। बस आपसे गुजारिश है कि इस बार जो बजट सत्र आए उसमें हमारे रानिया विधानसभा का जो ये इलाका है ओटू हेड, इसका भी थोड़ा ख्याल कर लीजिए, और एक कुत्ताबड़ पुल जो इस घग्गर के ऊपर से ओवरब्रिज बनाने की बात सांसद सुनीता दुग्गल ने हामी भरी थी चुनाव के समय में,
वो भी अब ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दो ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका किसान कभी भी विरोध नहीं करेंगे। आप जो विरोध होता है उसके लिए कहते हैं कि किसान बिना वजह के खामखा के विरोध कर रहे हैं, ये किसानों के फायदे का है। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये किसानों के फायदे का है या नुकसान का है, किसान खुद डिसाइड करेंगे। और किसान खुद इस बात के लिए डिसाइड कर चुके हैं कि ये इनके फायदे के लिए है। तो अगर आप किसानों का फायदा करना चाहते हैं तो इस ऑटो हेड की खुदाई आप क्यों नहीं करवा रहे। पिछले लंबे समय से मैं भी कम से कम 4 से 5 बार मेरी वीडियो के माध्यम से ये आवाज उठा चुका हूं कि किसानों को इसकी जरूरत है, इस ऑटो हेड की खुदाई की जरूरत है। अब इसमें जो पानी पड़ा हुआ है ये किसानों की नहर में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि नहर जो निकाली गई है वो इस पानी के लेवल से ऊंची है उनके किनारे। अगर इसकी खुदाई करवा दी जाती है तो उसके बाद वो नहरों में पानी जो लिफ्ट करके छोड़ा जा सकता है, और ये पानी अगर छोड़ा जाएगा तो ये 1 या 2 दिन ही और चलेगा एक नहर में। अगर 6 की 6 नहरों में छोड़ दिया जाता है तो पूरा टेल तक पानी पहुंचेगा भी नहीं। तो ऐसे में खुदाई करवा दी जाती है तो उसका लिफ्ट करके वो पानी आगे किसानों के नहरों में साल भर तक छोड़ा जा सकता है। महज 10 फीट की खुदाई करवाने से 30 फीट जो है पानी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे, क्या कुत्ताबड के पुल की ओर ध्यान देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये किसानों के फायदे का है, किसानों पे थोपा नहीं जाएगा, ये किसान खुद ब खुद इस परियोजना को एक्सेप्ट करेंगे, मंजूर करेंगे कि हाँ वाकई में किसान हित के लिए कार्य किया है।